ये कहते हैं कि ये गोलियों के निशान है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसको तोड़ने के लिए इस पर गोलियां बरसाई गई थी। और उस समय जो गोलियां थी वो इतनी ताकतवर तो नहीं थी कि इसको चीर के बाहर निकल जाए, तो वो गोली यहाँ पे धस गई थी दोस्तों। तब गांव वालों ने कहा था कि इसको मत तोड़ो, देखिए यहाँ का जो फन था उस फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में चरण कमलों के निशान भी थे। इसी आस्था की वजह से, इसी आस्था की वजह से, इसी मान्यता की वजह से इसके फन को तोड़ दिया गया था। यहाँ पर उनकी मान्यता है कि यहाँ पर एक डेंगी नाम का सांप रहा करता है, उनको कुछ न कुछ ऑफर किया करते थे, उनसे कालिया नाग की शत्रुता हो गई थी। अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है रामताल। रामताल असल में इस जगह के नीचे दब गया है दोस्तों। ये है वो जगह कालिया द। दोस्तों मेरे पीछे ये वो कर्दम का पेड़ है जिसपे से भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप में छलांग लगाई थी यमुना के उस कुंड में, जहाँ पर कालिया नाग आके वास करने लगा था। तब उसकी भार्या यानी कि पत्नियां वहाँ आती हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि भगवान। अब हुआ ये था दोस्तों कि सनातन के जितने भी बड़े बड़े विश्व तेरी। अब कालिया नाग के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर आप कुछ नहीं जानते तो ये वीडियो अंत तक आपको देखना। कालिया नाग की पूजा करने लोग यहाँ आते थे क्योंकि फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के निशान बने हुए। आज भी जिंदा है कालिया नाग। दोस्तों आपको एक और जगह लेकर जा रहा हूँ महाभारत काल से जुड़ी हुई, और दिक्कत यह है कि जहाँ भी मैं पहुँचता हूँ आंधी तूफान आ जाता है पहले ही। ये भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई जगह है जहाँ आपको एक बार अवश्य आना चाहिए दोस्तों। भगवान कृष्ण ने जहाँ कालिया नाग का मान मर्दन किया था। चलते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जिसका इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो महाभारत काल के बिल्कुल चमत्कारिक इतिहास के बारे में हमें बताती है। दोस्तों मेरे समीप है कालिया नाग। जी हाँ, महाभारत काल के, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने मान मर्दन किया था। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारा नहीं था बल्कि उनका मान मर्दन यानी कि घमंड तोड़ा था दोस्तों। महाभारत के आदि पर्व में इसका उल्लेख मिलता है और विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। महर्षि कश्यप की 17 पत्नियां थी। अब यहाँ भी थोड़ा सा विचार विमर्श करने की हमें आवश्यकता है यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि मत्स्य पुराण में महर्षि कश्यप की 9 भार्याओं का मतलब 9 पत्नियों का उल्लेख है। अब यहाँ पर अगर भागवत पुराण की और मार्कंडेय पुराण की बात करें तो वहां पर 13 पत्नियों का उल्लेख है, और अगर हम महाभारत की और विष्णु पुराण की बात करें तो वहां पर 17 पत्नियों का उल्लेख है। इसके बारे में मैं आपको और आगे विस्तार से बताऊंगा। आज इस जगह के इतिहास के बारे में कुछ आपको बताता हूँ जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। महर्षि कश्यप की एक पत्नी थी माता कद्रु, उनकी 1000 संतान थी। अब वो संतान हम जैसे मनुष्य नहीं थे बल्कि इच्छाधारी नाग थे। 1000 संतान थी जिसमें इच्छाधारी नाग थे, और उसमें कम से कम 12 नाग बहुत प्रबल थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। उनमें से एक थे शेष नाग, जिनके बारे में आपको पता होगा, फिर थे वासुकी, उनके बारे में भी आपको पता होगा, फिर थे तक्षक, फिर थे कौटिल्य, पद्म, महापद्म, उसके बाद थे कर्कोटक, उसके बाद पिंगल, कंबल और कालिया नाग, जी हाँ, जो मेरे पीछे समय विराजमान है। ये महर्षि कश्यप और कद्रु की 1000 संतानों में से एक थे और बहुत ही विषैले थे। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि महर्षि कश्यप और कद्रु की संतान नाग थे, सांप नहीं। सांप उनकी दूसरी पत्नी क्रोधवशा की संतान थे। जी हाँ, महर्षि कश्यप और क्रोधवशा की संतान थे सांप, बिच्छू और दूसरे सरीसृप। अब एक बात आपको और बता दूं, अगर हम यहाँ पर नागों की बात कर रहे हैं तो हमें उसकी भी बात करनी चाहिए जो नागों को खाता है, यानी कि गरुण की। महर्षि कश्यप की ही एक और बीवी विंता के 2 बालक थे, एक थे अरुण और एक थे गरुण। अरुण सूर्य देव के सारथी हैं और गरुण भगवान विष्णु की सवारी है। तो आप जानते हैं इस जगह के इतिहास के बारे में। कालिया नाग कहते हैं कि नागों के राजा थे और सबसे शक्तिशाली थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि कालिया नाग के 100 फन थे, कुछ कहते हैं कि 7 थे, कुछ कहते हैं कि 5 थे। अभी मैं गिन लेता हूँ कितने फन थे। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 हैं। पर दोस्तों एक चीज और है जो हमें देखनी है, यहाँ पर इनका जो आगे का हिस्सा है ना वो तोड़ दिया गया है।
कालिया नाग जो थे ना वो पन्नग जाति के नाग थे, जिसको कुछ लोग पन्ना कहते हैं, कुछ लोग पन्न भी कहते हैं, कुछ लोग पन्नग कहते हैं, तो उस जाति के ये नाग थे। अब इसमें क्या हुआ कि जब अंग्रेजों को पता लगा कि यहाँ पर एक नाग है जो पन्ना जाति का है, तो उन्हें लगा कि इसके नीचे पन्ना हीरे मोतियों का खजाना होगा, तो उन्होंने इस पर अटैक किया। इसको तोड़ने की कोशिश, तो इस नाग का जो मेन फन था ना कालिया नाग का, वो तो पहले ही तोड़ दिया गया था मुगलों के द्वारा, जो यहाँ के लोग मुझे बताते हैं। उसके बाद जो बचा कुचा था उसको तोड़ने की कोशिश की गई। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा, छोटे से बच्चे को, कि वो पीछे कैमरा लाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा, ये कहते हैं कि ये गोलियों के निशान है। ये देखिए दोस्तों, ये कहते हैं कि ये गोलियों के निशान है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसको तोड़ने के लिए इस पर गोलियां बरसाई गई थी, और उस समय जो गोलियां थी वो इतनी ताकतवर तो नहीं थी कि इसको चीर के बाहर निकल जाए, तो वो गोली यहाँ पे धस गई थी दोस्तों। तब गांव वालों ने कहा था कि इसको मत तोड़ो, देखिए यहाँ पर इन पे वार किया गया था पूरा, यहाँ पर ये तोड़ने की कोशिश की। पत्थर भी जो है ना, ये आसपास कहीं मिलता नहीं है ऐसा पत्थर। अब दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस ये जो कालिया नाग की यहाँ पर मूर्ति है, इसका जो फन था उस फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में चरण कमलों के निशान भी थे। इसी आस्था की वजह से इसी मान्यता की वजह से इसके फन को तोड़ दिया गया था, और गोलियों के निशान तो आप देख ही रहे हैं। गोलियां उस समय इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो मूर्ति को पार कर जाएं, तो निशान तो बने हैं पर मूर्ति को ज्यादा नुकसान गोलियों से नहीं हुआ, इसके फन के टूटने से हुआ। इसके बारे में और जानेंगे दोस्तों, पहले थोड़ा सा आपको कालिया नाग के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, इस जगह के बारे में जानने से पहले थोड़ा कालिया नाग के बारे में जान लेते हैं। आखिर कौन था कालिया नाग? मैंने आपको बताया है कि महर्षि कश्यप और कद्रु की संतानों में से एक था कालिया नाग, पर वो वास कहाँ करता था और यहाँ कैसे आ गया, मतलब जिस कुंड के पास वो आया था यमुना जी के, उस कुंड के पास भी मैं आपको लेके जाऊंगा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में कालिया नाग का मान मर्दन किया था। याद रहे, मान मर्दन यानी कि घमंड तोड़ा था, उसको मारा नहीं था। दोस्तों, कालिया नाग पहले यहाँ से बहुत दूर, ऐसी मान्यता है, हालांकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि कालिया नाग यही पास में ही वास करता था, पर ये सत्य नहीं है। तो कालिया नाग पहले रमणक नामक एक द्वीप पर वास करता था। अब ये रमणक द्वीप है कहाँ पर? दोस्तों, कहीं कहीं इसका प्रूफ मिलता है कि ये रमणक नामक द्वीप फीजी के पास एक छोटे से आइलैंड पे है। अब आप कहेंगे मुझे इसका प्रमाण कहां से मिला, कोई प्रमाण दो। तो दोस्तों, एक तो प्रमाण ये है जो मैंने इस समय आपकी स्क्रीन पर डाला हुआ है, कॉपी एंड पेस्ट, ये एक आर्टिकल है जिसे थोड़ा बहुत ऐसा अंदाजा होता है कि हाँ वही द्वीप है जिसपे कालिया नाग पहले रहा करते थे। न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है फीजी, जहां पर बहुत सारे इंडियंस रहा करते हैं। बिहार से जाकर हमारे बहुत सारे भाई बंधु वहां पर सेटल्ड हो गए हैं। वहां पर ये एक द्वीप है, द्वीप का नाम है शायद लेवी केटू, जहां पर उनकी मान्यता है कि यहाँ पर एक डेंगी नाम का सांप रहा करता है। जब वहां पर इंडियंस पहुंचे हमारे भाई बंधु, तो उनको ये पता लगा कि ये सांप और कोई नहीं बल्कि कालिया नाग है, बहुत ही जहरीला सांप है, और उसका एक मंदिर भी है फीजी आइलैंड पे। हम मान सकते हैं कि रमणक द्वीप फीजी आइलैंड के पास ही एक छोटी सी जगह है जहां पर कालिया नाग रहा करता था, क्योंकि कालिया नाग अगर किसी द्वीप पर रहा करता था तो वो द्वीप सागर के अंदर होगा, ना कि किसी नदी के अंदर। और अगर आसपास यहां पर कालिया नाग रहता तो फिर से वही प्रॉब्लम आती, उसका जो जल था जहां पर भी वो रहेगा तो वो विषैला हो जाएगा। अब कालिया नाग भला रमणक द्वीप से यहां क्यों आ गया? उसके पीछे भी एक और मान्यता है दोस्तों, जो भी नाग थे वो गरुड़ को, पक्षीराज गरुड़ को कुछ ना कुछ ऑफर किया करते थे, कुछ बलि खाने के रूप में कुछ बलि दिया करते थे। अब कालिया नाग ने क्या किया, अपने घमंड के चलते बलि तो कुछ दी नहीं पक्षीराज गरुड़ को, बल्कि जो बलि वहां पर थी, जो और नागों ने दी थी, वो भी खा ली उसने। उसके बाद पक्षीराज गरुड़ से कालिया नाग की शत्रुता हो गई थी। अब यहाँ पर जो नाग और गरुड़ की शत्रुता है, तो उसमें जीतेगा कौन, आप जानते हैं। पक्षीराज गरुड़ से बचने के लिए कालिया नाग वहां से भागता है, पर अब वो जाए कहाँ? तो उसको पता चलता है कि यमुना की नदी में एक जगह है, एक रेडियस है ऐसा, जहां पर गरुड़ नहीं आ सकता था। मतलब यमुना तो बहुत बड़ी नदी है, उसमें एक ऐसा कुंड है जहां पर गरुड़ नहीं आ सकते थे। तो वो क्यों था? क्योंकि दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ था कि एक ऋषि थे शौंभरी, वो पानी के अंदर, यमुना के उसी कुंड के पास पानी के अंदर तपस्या किया करते थे, और बहुत सालों तक तपस्या किया करते थे। तो गरुड़ आकर वहां पर ऊपर से शिकार करते थे और मछलियां पकड़ते थे। ये सौम्भरी ऋषि को बिल्कुल पसंद नहीं था।
दोस्तों थोड़ा सा सोमबरी ऋषि के बारे में भी हम जान लेते हैं। जब हम पूरा जानने की कोशिश कर रहे हैं इस जगह के बारे में, तो मैं जहां पर खड़ा हूं इस जगह का नाम है रामताल। रामताल असल में इस जगह के नीचे दब गया है और ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये मेरे पीछे प्रतीकात्मक तौर पे एक ताल बना दिया गया है जो बिल्कुल इस समय तहस नहस हो रखा है। पर ऐसा मानना है कि सोमबरी ऋषि का आश्रम यहाँ पर कभी हुआ करता था और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ताल था। अब दोस्तों सोमबरी ऋषि आखिर थे कौन? तो दोस्तों ब्रह्मा से हुए अंगीरा, ऋषि अंगीरा, अंगीरा से हुए घोर, घोर से हुए कर्णव और कर्णव से हुए सोमबरी ऋषि। जी हाँ, यानी कि ब्रह्मा जी के ऋषियों में से एक संतान थे सोमबरी ऋषि। उन्होंने ही गरुड़ को शाप दिया था। असल में वो यहाँ पर यमुना के कुंड पर यहाँ पर मछलियों को आटे की गोली बनाकर डाला करते थे। गरुड़ जो है, गरुड़ और शिकारी पक्षी मिलकर यहाँ पर मछलियों का शिकार करते थे। ये बात सोमबरी ऋषि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तभी उन्होंने यहाँ पर गरुड़ को शाप दिया था कि तुम यहाँ पर शिकार नहीं करोगे। ये उस समय ये जगह भी यमुना का ही एक कुंड का हिस्सा था। इसका नाम आज रामताल है। अगर आप यहाँ पर वृंदावन आते हैं तो बीच में पड़ती है। वैसे आज तो मौसम अच्छा है पर ताल जो है अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो आइए वापस चलते हैं कालियानाग के पास। ये सब दोस्तों यहाँ के ये शिला पट पे लिखा हुआ है, ये मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आप चाहें तो जब भी यहाँ आए पढ़ सकते हैं रामताल के बारे में और सोमबरी ऋषि के बारे में। ये बात जब कालियानाग को पता लगी तो उसको इससे अच्छा हाइड आउट, मतलब इससे अच्छा छुपने की जगह, इससे अच्छी छुपने की जगह उसे नहीं मिली और वो यहाँ आकर यमुना के इस कुंड में आकर छुप गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी अगर वो छुपा रहता तो, पर उसकी थूथन से इतना जहर निकलता था कि वो यमुना नदी के उस हिस्से के ऊपर तैरने लगा और पानी का रंग धीरे धीरे हरा हो गया। जी हाँ दोस्तों, हरा हो गया। अब दोस्तों कालियानाग का जहर इतना ज्यादा स्ट्रांग था, उसकी थूथन से इतना जहर निकलता था कि यमुना नदी में जिस कुंड में वो रहा करता था उसके ऊपर हरा हरा हो गया था जहर से। तेजाब इतना विषैला था उसका जहर कि उसके ऊपर पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया था, आसपास के पेड़ पौधे मरने लगे थे और जहर में से जो भाप निकलती थी ना उससे ऊपर उड़ने वाले पक्षी तक मर जाया करते थे, जिसकी वजह से उस जगह को काली धा के नाम से जाना जाने लगा। वो जगह आज भी मौजूद है, वहां भी आपको लेके जाने वाला हूं। तो दोस्तों ये है वो जगह कालिया द, इसे कालिया घाट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यही वो स्थान है जहां पर कालिया नाग आकर बस गया था अपनी भार्याओं के साथ में, यानी कि अपनी पत्नियों के साथ में। उस समय माँ यमुना का जो बहाव था वो यहीं से होकर बहती थी उस समय माँ यमुना। अब तो माँ यमुना इस स्थान से काफी पीछे चली गई है, पर आज से 5,000 साल पहले दोस्तों, अब सब लोग सबूत मांगते हैं कि सबूत दो, सबूत दो। दोस्तों 5,000 साल पुरानी बात है, 300 साल में सब बदल जाती हैं, लेकिन जो इतिहास में आपको दिखा रहा हूं ये 5,000 साल पुराना है और आज भी ये वही मौजूद है। अगर आपने मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखी है, अगर आपने स्किप नहीं की है, तो आप देखेंगे कि सारे ट्रेसेस मिलते हैं, सब स्थान यहां मौजूद हैं जो हमारे पुराणों में लिखे हैं, वो सारे स्थान मौजूद हैं दोस्तों। दोस्तों मेरे पीछे ये वो कदम का पेड़ है जिस पे से भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप में छलांग लगाई थी यमुना के उस कुंड में, जहां पर कालियानाग आके वास करने लगा। अब एक मान्यता ये है कि सबसे पहले कालियानाग को राधा रानी ने देखा था और वो काफ़ी घबरा गई थी। घबरा कर जब वो वापस गांव भागी, उन्होंने गांव में सबको बताया कालियानाग के बारे में, तो भगवान श्री कृष्ण इससे बहुत क्रोधित हुए। वो आते हैं उसी समय यहाँ पर कालियानाग का दमन करने के लिए, पर फिर वो सोचते हैं कि कालियानाग, क्योंकि भगवान कृष्ण हैं, उनको पता था कि कालियानाग एक वेदशीर नामक ऋषि के ही पुनर्जन्म है, तो इसीलिए वो उसका दमन नहीं करते बल्कि चेतावनी देके छोड़ देते हैं। फिर वो अगले दिन आते हैं अपने सखाओं के साथ वहां पर गेंद बल्ला खेलने के लिए। तो जब वो यहां पर गेंद बल्ला खेल रहे होते हैं तो उनकी गेंद किसी कारणवश यमुना में गिर जाती है, उसी स्थान पर जहां पर कालियानाग वास करता था। अब उनके सखा जो होते हैं उनमें से एक थे श्री रामा, वो कहते हैं कि कृष्णा तुमने ही गेंद यमुना में फेंकी है, तुम ही लेके आओगे, हमें तो वो ही गेंद चाहिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण यमुना के उस कुंड के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर जो पेड़ हैं वो मर गए हैं।
वहां पर जो चिड़िया पक्षी ऊपर से उड़ते हैं वो मर गए हैं, और वहां पर एक गौ माता भी मर गई थी यमुना के उस पानी को पीकर। इससे भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है, वो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, कालिया नाग इस स्थान पर वास नहीं कर सकता। क्रोधित होकर वो यमुना में कूद जाते हैं दोस्तों, और कालिया नाग से उनका भयंकर युद्ध होता है। कालिया नाग उनके शरीर में जहर को छोड़ने की कोशिश करता है, उनको अपनी कुंडली में दबा लेता है। भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप लेकर कालिया नाग की कुंडली से बाहर आ जाते हैं। कालिया नाग घबरा जाता है, पूरी कोशिश करता है पर थक जाता है, उसकी थूथन में से भी खून निकलना शुरू हो जाता है, उसको लगता है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तब उसकी भार्या यानी कि पत्नियां वहां आती हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हम तो आपके भक्त हैं, ये एक नाग है, इसकी प्रवृत्ति है जहर छोड़ना, ये क्या करे, आपने जो कार्य इसे दिया है ये वही तो कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ये बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहां नहीं रह सकते, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं पर यहां रहना अब तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम चले जाओ वापस अपने रमणक द्वीप पर। तो कालिया नाग बोलता है कि भगवान आपका सेवक गरुड़ मुझे बाहर निकलते ही मार देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे फन पर मेरे चरण कमलों के निशान हैं, जब गरुण ये देखेगा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम्हें नहीं मारेगा, पर तुम अब वृंदावन की तरफ मुड़कर मत देखना, चले जाओ यहां से। पर कालिया नाग से एक गलती हो जाती है, आगे बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूं जय कुंड में। अच्छा, यहां के साथ बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हैं, एक मान्यता यह है जो इस बोर्ड पर लिखी है, दूसरी मैं आपको बताऊंगा अभी। एक मान्यता यह है दोस्तों कि जब भगवान कृष्ण अपने बचपन रूप में अपने बाल रूप में यहां मौजूद थे वृंदावन के पास, तो ये वो जगह है जहां पर एक राक्षस एक सांप था, बहुत बड़ा सांप आगासुर पूतना का, और बाकासुर का छोटा भाई आगासुर। दोस्तों होता यह है कि आगासुर यहां पर लेट जाता है और अपने शरीर को इतना विकराल कर लेता है कि भगवान कृष्ण के मित्रों को यह दिखाई नहीं पड़ता कि एक अजगर यहाँ पर लेटा हुआ है, पाइथन यहाँ पर सो रहा है, और भगवान कृष्ण के मित्र सीधे उसके मुंह में घुसते जाते हैं। जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि आगासुर के मुंह के अंदर उसके सखा जा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं, और जब आगासुर भगवान कृष्ण को अपने जबड़ों के बीच में दबाने की कोशिश करता है तो भगवान कृष्ण अपना रूप इतना विकराल कर लेते हैं, अपना शरीर इतना विकराल कर लेते हैं कि उसके मुंह के अंदर का हिस्सा फाड़कर बाहर आ जाते हैं। तो ये दोस्तों एक मान्यता यहाँ के साथ जुड़ी हुई है। अब चलते हैं हम उस जगह पर जिसके लिए यहाँ पर हम इस समय फिलहाल आए हैं, यानी कि कालिया नाग को देखने के लिए। दोस्तों अब कालिया नाग के बारे में आप क्या जानते हैं, अगर आप कुछ नहीं जानते तो ये भी अब कालिया नाग के बारे में आप क्या जानते हैं, अगर आप कुछ नहीं जानते तो ये वीडियो अंत तक आपको देखना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। अच्छा एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक बार जब मैं पौड़ी गया था तो वहां पर उल्खागिरी मंदिर में, एक उल्खागिरी मंदिर है वहां पर मुझे एक साधु मिले थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे दादा परदादाओं ने बहुत सारे हमारे जो उल्लेख थे, हमारे जो इतिहास के पुस्तकें थी, हमारी धरोहर थी, उनको छुपा दिया था अंग्रेजों से बचाने के लिए। अब हुआ ये था दोस्तों कि सनातन के जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे उनको जला दिया गया था, जलाकर भस्म करने की कोशिश की गई थी। वहां पढ़ने वाले जो छात्र थे जितने भी थे, वो किसी तरह से हमारे इतिहास की धरोहर जो पुस्तक के रूप में वहां मौजूद थी उसको लेकर वहां से भागे, कुछ मार दिए गए, कुछ जल गए, कुछ लेकर उन्हें भागने में सफल रहे, पर उन्होंने वो किसी को दी नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये पुस्तकें किसी के भी हाथ में पड़ जाएंगी तो इनका गलत इस्तेमाल होगा, और अंग्रेजों ने उनका इस्तेमाल किया भी, गलत किया, और उसके बाद हम ही पर उन्होंने राज भी किया दोस्तों। और हमारा कुछ मान्यता ये है कि ये बोलती है कि अंग्रेज हमारी ही पुस्तकों को अपने पास रखकर हमसे ज्यादा आगे निकलने की आज कोशिश करते हैं। दोस्तों लोकल्स यहाँ के मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था मुगलों के हिंदुस्तान में आने से पहले, और उस समय इस तालाब में सिर्फ कालिया नाग का फन दिखाई पड़ता था, और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा करता था उस समय, और कालिया नाग की पूजा करने लोग यहाँ आते थे क्योंकि फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के निशान बने हुए थे, पद चिन्ह बने हुए थे, जिसके दर्शन करने लोग यहाँ आते थे, इसी वजह से इस मूर्ति के फन को नुकसान पहुंचाया गया था।
तो दोस्तों बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारा नहीं था और वो पत्थर का हो गया था तो क्या आज भी जिंदा है कालिया नाग? जी हाँ बिल्कुल, आज भी जिंदा है कालिया नाग। अगर आप ये प्रतिमा देखेंगे, ये मूर्ति देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शायद कालिया नाग आज भी जिंदा है। पर वो अब इस मूर्ति के अंदर फंसा हुआ नहीं है दोस्तों। जैसे माँ गंगा भगवान श्री कृष्ण के जाने के 5000 साल बाद वापस स्वर्ग लौट गई थी, उसी तरह से कालिया नाग भी भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ जाने के बाद 5000 साल बाद शायद वापस लौट गया हो पाताल लोक। हाँ, अपना प्रतिबिंब यहां छोड़ गया था हम लोगों के लिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के निशान थे, जिसको देख के हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते थे, पर अब वो भी तोड़ दिया गया। दोस्तों इस जगह पर ऊपर पूरा चित्रण दिखाया गया है कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दन किया था। जैसे इसमें दिखाया गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा यहां पर खेलने आते हैं, उनकी गेंद बल्ला यहां दिखाया गया है। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्रिकेट हमने इन्वेंट किया है, क्योंकि हमने हर चीज इन्वेंट नहीं की है, पर हाँ वैसे ही कोई गेम हम भी खेलते होंगे उस समय 5000 साल पहले, और तो कोई गेम होगा नहीं खास। तो दोस्तों यहां पर पूरा चित्रण किया गया है हर चीज का, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई थी यमुना में, कैसे कालिया नाग ने उन्हें मारने की कोशिश की थी, कैसे कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और कहा एक छोटा सा बच्चा यहां आया है कालिया नाग से लड़ने के लिए। अब यहां पर याद रखने वाली बात यह है दोस्तों, उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु थी मात्र 5 वर्ष। जी हाँ, 4 साल 10 महीने, यानी कि लगभग 5 वर्ष उनकी आयु थी, और 5 वर्ष की आयु में ही भगवान कृष्ण ने कितने सारे दानवों को मार दिया था कि वो इस धरती पर हम लोगों का उद्धार करने के लिए आए थे। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको भी यहां एक बार अवश्य आना चाहिए। ये जगह हालांकि इतनी मेंटेन नहीं की गई, ज्यादा टूरिस्ट यहां आता नहीं है, पर अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो जैत गांव में एक बार इस प्रतिमा को देखने, इस मूर्ति को देखने अवश्य आइएगा। दोस्तों यहां पर आपको अनुभव तो होगा ही थोड़ा बहुत जो समय हुआ होगा। दोस्तों मेरे पास माइक तो है नहीं, तो इसकी वजह से मैं फोन से ही रिकॉर्डिंग करता हूं। काफी डिस्टर्बेंस आ रहा था, इसलिए मुझे ओवर रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है, वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा बना होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो UPI, पेटीएम, सुपर थैंक्स, स्टिकर के थ्रू आप मेरी वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं दोस्तों, भगवान राम के आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है। बस मैं ये चाहता हूं कि भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और दोस्तों ये वो लड़का है खुश, जिसने कैमरा पकड़ा और मेरी हेल्प की इस वीडियो को बनाने में, तो ही इज द हीरो ऑफ दिस वीडियो।